और इधर एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए कौन सी नई साजिश रच रहा है, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलओसी पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके हैं और देश के आतंकियों को दाखिल कराने के लिए वो पानी के जरिए घुसपैठ कराने की नई साजिश रच रहा है, जिसे नाकाम करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। बीएसएफ के जवान किस तरीके से अलर्ट हैं, क्योंकि इस समय बरसात का भी मौसम है, पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ये प्रयास भी करते हैं कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर नदी नाले वाले इलाके से घुसपैठ की जा सके। अमरनाथ यात्रा के चलते जवान अलर्ट पर है। खबर है कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 12 लॉन्च पैड बनाए हैं, जिसके जरिए 200 आतंकियों। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। के घुसपैठ कराने की साजिश रची गई है। 24 घंटे सर सीमा पे सर जवान खड़ा है सर, और देश की रक्षा के लिए एकदम खड़ा है सर। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान टनल का इस्तेमाल भी करता रहा है, जिसे रोकने के लिए बॉर्डर पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई टनल खोदी गई हो तो उस टनल का पता लगाया जा सके। और एलओसी पर किस तरीके से मुस्तैद है भारतीय जवान, पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश को नाकाम कर रहे हैं और बता रहे हैं इसकी पूरी रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित भट्ट। अक्सर हमने देखा है कि बीएसएफ के जवानों ने किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को विफल किया है और भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन भी रिकवर किए हैं। वहीं पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाए जाए। हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पठानकोट इलाके में ड्रोन जो है वो देखा गया, जिसके बाद लार्ज नंबर में सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में चलाया गया। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी हाल ही में ही ड्रोन देखा गया, वहीं भारतीय सेना ने फायर किया तो ड्रोन वापस पीओके के इलाके में चले गया। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां जवानों के सामने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहती हैं, वो है ड्रोन की। और ऐसे में ड्रोन से निपटने के लिए किस तरीके से हमारे जवान तैयार हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये बीएसएफ के वो विशेष कमांडो हैं जिनको ये महारत है कि अगर इस इलाके में कोई भी ड्रोन दिखता है तो उसको नेस्तनाबूद किया जाए। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर, हो गया है भारी नुकसान, देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।